मतलब कि इन्होंने अपना पूरा मूड बना दिया है कि इस बार अगर सरकार में है तो हमसे और आपसे हमारा हक और अधिकार छीन लेंगे, हमसे और आपसे हमारा आरक्षण छीन लेंगे, हमारा न्याय का अधिकार छीन लेंगे। बाबूजी ने अपना पूरा जीवन संविधान की रक्षा और धर्मनिरपेक्ष ताकतों में को मजबूत करने में लगा दी और आज हम आप सबसे वादा करके जा रहे हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आपकी बेटियां हमेशा आपके साथ रहेगी, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहेगी। इस चुनाव में हम सबको इस बार अपनी वोट की ताकत दिखानी है, हमको अपनी शक्ति का एहसास दिखाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं सरकार किस रवैये से काम कर रही है। ये सरकार सबकी आवाज़ दबाने का काम करती है, चाहे वो महिलाएं हो, हमारे किसान हो, हमारे युवा साथी हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे बच्चे हो, ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। ये 10 साल पहले झूठ के सहारे बनी थी पर एक बार जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता इनके जुमलों को समझ चुकी है, चाहे वो 15 लाख सबके खाते में आने का जुमला हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन का जुमला हो, जनता इनके सारे जुमलों को समझ चुकी है। जनता इस बार की चालाकी का जवाब 20 मई को साइकिल का बटन दबा कर देने वाली, इसका भी मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। ये सरकार कहती है कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, कि हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बन चुका है। हमको नहीं लगता कि इस सरकार के किसी नेता ने कभी गांव में कदम रखा होगा। हमारे जब किसान खुश नहीं होंगे, हमारे युवा खुश नहीं होंगे, हमारी महिलाएं खुश नहीं होंगी, तो हमारे देश चाहे जो भी पैगाम पर पहुंच जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार से अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों का लाखों 15 लाख करोड़ तक का कर्जा माफ कर देती है, पर जब किसान अपने हक और अपने बात आगे रखते हैं तो उनको आंसू गैस के बम देती है, उनको बुलेट की बौछारें देती है, उनको सीमेंट की दीवारें देती है। अभी आप सबने सुना कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हमें अपने अन्नदाताओं का सम्मान करना आता है, हम सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उनको MSP की गारंटी दी जा रही है। ये सरकार किसानों की ताकत से डर गई थी, इसीलिए उनको ये सब आंसू गैस के बम और बुलेट की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बार मुझे विश्वास है कि इस बार जनता इनको बहुत अच्छे से जवाब देने वाली है, क्योंकि जनता इस बार समझ गई है कि सारे झूठे वादों को, सारे जुमलों को। इन्होंने घोषणा पत्र में 10 साल पहले जितने भी वादे करे थे धरातल पूर्ति एक की भी नहीं हो पाई है। इस बार इनके जुमलों का जवाब जनता अपने वोट से देने जा रही है। आज हम बाबू जी के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप सबका आशीर्वाद देने आई हूँ और हमें पूरा विश्वास है आप सब हमें अपने वोट के आधार पर अपना आशीर्वाद देंगे और बस समाजवादी सरकार को बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। जब हमारे हाथ मजबूत होंगे, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के हाथ मजबूत होंगे, तभी हम जो बाबू जी की विचारधारा की जो विकास आ रहा है हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। आप सबने इतना प्यार इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।